उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों को अब अनिवार्य रूप से सत्यापन कराना होगा। बाहरी लोगों के सत्यापन संबंधी प्रक्रिया को लेकर कुछ दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने निर्देश जारी किए थे। हल्द्वानी में कुमाऊं रेंज के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि मकान मालिकों के साथ साथ अब किराएदारों को भी अपने मूल निवास से संबंधित थाने से पुलिस क्लियरेंस के दस्तावेज लाकर जमा कराने होंगे। किराएदारों को शपथ पत्र भी दिखाना होगा। डीआईजी ने बताया कि अगर किराएदार खुद यह कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मकान मालिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, उन्हें भी पहले की तरह ही सत्यापन प्रक्रिया करनी होगी। डीआईजी ने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, अब अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान में सहयोग नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट धारा 83 के तहत चालान की कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। अभी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कोई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है, तो ये अपना जहाँ वो काम कर रहा है उसके पुलिस स्टेशन में जाकर स्वयं ये जमा करेगा, अन्यथा उसके ऊपर जो है वो 83 के अंतर्गत जो पुलिस एक्ट के अंतर्गत जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चालान भी देने की, इसमें जो है चालान भी होगा उसके ऊपर जो है पुलिस एक्ट 83 धारा के अंतर्गत जो है कार्रवाई भी की जाएगी।